अनुराग, आप देख रहे हैं एंटी नेशनल। कारनोंद के कोतकला में दादा काला पीठ डेरा की गद्दी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को डेरे की गद्दी को लेकर डेरे में हिंसा हो गई। पुलिस और शरारती तत्वों के बीच एक घंटे तक जमकर पथरावबाजी हुई। पथरावबाजी में हांसी के डीएसपी नरेंद्र कादियान सहित 8 लोग घायल हो गए, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है। तो कुछ ग्रामीणों ने उनको रोकने की कोशिश की, तो बचाव करने के लिए जब पुलिस पार्टी वहां पे दौड़ी तो ग्रामीणों ने पुलिस पर वो फेंकने शुरू कर दिए ईंट और पत्थर। उसके बाद में काफी पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, तो भीड़ में एक पत्थर मुझे भी लगा। बता दें कि दो बाबाओं के बीच डेरे की गद्दी को लेकर चला आ रहा विवाद उस वक्त बढ़ गया जब 7 पीरों द्वारा बाबा शुक्रायननाथ को गद्दी पर बैठाने की घोषणा कर दी गई। जब 7 पीर वापस जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर ग्रामीणों व दूसरे बाबाओं के समर्थकों ने पत्थर बरसा दिए, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने वहां से उन बाबाओं का बचाव करते हुए उन्हें वहां से निकाल दिया। फिर ग्रामीणों और पुलिस के बीच आपस में एक घंटा पत्थरबाजी चलती रही, जिसमें डीएसपी नरेंद्र कादियान को ग्रामीणों द्वारा की जा रही पत्थरबाजी में चोटें आ गई और अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कुछ लोगों ने डेरे के विवाद के चलते मिलके पुलिस के ऊपर और पत्रकार जनों के ऊपर हमला बोल दिया, जिसके कारण उन्हें चोट लगी और उन्हें फर्स्ट एड देते हुए एमएलआर हमने तैयार किया है, जिसको पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। डीएसपी साहब को माथे में हड्डी के मतलब जो चोट लगी है उसकी गहराई हड्डी तक है, उसका भी ये कह पाना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वो गहरी है या नहीं है। अभी फिलहाल केवल दो ही लोग यहाँ पे आए हैं। अरनोन से एंटी नेशनल के लिए दीपक गिरधर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एंटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।